प्रिपरेशन ऑफ फिनोल पढ़ा रहे थे, पहली लाइन डालो उसमें बेटा, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, लिख लो फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जरा समझिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या है। देखो बेंजीन जानते हो ना सभी लोग, बना दिया भाई, देखो बेंजीन बन गया, ऊपर देखो बेटा हर जगह इसके एच होते हैं, पता है ना। अब इसकी रिएक्शन H2SO4 से करवानी है, H2SO4 क्या लिखते हैं, OHSO3H, पता है ना, कई बार समझाया है, देखो इसको नहीं मालूम यहां पे लिख देता हूं या कहीं पे लिख देता हूं, OHSO3H, ये वास्तव में क्या है, H2SO4। अब ये नेगेटिव हो गया, पे यहां पे प्लस हो गया, तो ये नेगेटिव किससे जुड़ जाएगा, इस प्लस से जुड़ जाएगा कि नहीं, यस सर, निकल जाएगा, तो ये SO3H कहां आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर। बताइए इसमें कोई समस्या क्या, नो सर, नो सर। अब इसकी रिएक्शन करवा दो NaOH से, ध्यान से देखना बेटा, NaOH, तो देखो सोडियम हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट रिएक्शन चलती है ना, तो Na चला जाएगा इसकी जगह और H आ जाएगा इसकी जगह, तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन और बेंजीन के ऊपर SO3N, बोलो क्लियर, पानी निकल जाएगा। अब इसकी फिर से रिएक्शन करवा दो NaOH से, दो मॉलिक्यूल ले NaOH, अब क्या निकलेगा, तो जब भी ऐसे दो मॉलिक्यूल ले लो या तीन ले लो, तो सबसे पहले उसमें से पानी निकाल दे दो, ठीक है, निकल गया। अब देखो अब क्या बचा, अब क्या बन सकता है बताइए, Na2, देखिए ये एक Na है और एक ये पूरा कंपाउंड, तो देखो क्या बन गया, Na2SO3, ठीक है, जैसे H2SO3 होता है, H2SO4 सुना है, सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे H2SO3 होता है, ऐसे Na2SO3 होता है, ठीक है। अब ये हमारा बच्चा ON है, ये लग जाएगा बेंजीन के ऊपर, ठीक है, तो ये बन गया ON, ठीक है, देखो ये फिनोल जैसा ही है, बस यहाँ पे क्या लगा है, H लगा है, तो मैं इसकी किसके रिएक्शन करवा दूँ, इसके रिएक्शन करवा दो HCl से, वो निकल गया, उसको लिखते हैं, जो निकल, क्योंकि रिएक्शन कंटिन्यूएशन चल रही ना, अब मैं यहाँ ले देता प्लस, कंफ्यूजन हो जाता ना, किसकी किसकी रिएक्शन तो नहीं हो रही थी, इसलिए साइड प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूँ। अब ये Na और Cl निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, OH लग जाएगा, बन गया फिनोल, क्या कठिन है, कठिन नहीं, बस स्टेप ज्यादा थोड़े से, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हो जाएगा, लिख लो बेटा, देखो बेटा ये होगी सबकी, अगला लिख लो, अगला करवाना है, लिखो फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, देखो क्या निकाल रहे बताओ, ये Cl और ये H दोनों निकल सकते कि नहीं, और ये वाला इधर आके जुड़ जाएगा, देखो क्या बन गया CH3CO, और ये वाला घूम के इधर आके OCH, पिस्टन ग्रुप आ गया बेटा, प्लस HCl, चलो लिखो इसको, लिखो बेटा, अब अगला देखेंगे, ठीक है, एक उससे हो गया, अब दूसरा लिखो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट, बोलो ग्रिग्नार्ड एजेंट का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं ना, हाँ है ना, नहीं है, MgBr के साथ R कोई ग्रुप एल्काइल, देखें अब हमें बनाना है फिनोल, हम क्या पढ़े प्रिपरेशन ऑफ फिनोल कर रहे हैं, तो देखो ये बेंजीन बना लिया और इसके ऊपर MgBr लगा दिया, ठीक है भाई, अभी बेंजीन नहीं रहा इसमें बॉन्ड खुल गया, तो ये फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रुप होता है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड एजेंट है, इसकी जगह तुम CH3 लगा दो तो भी ग्रिग्नार्ड एजेंट है, MgBr का कुछ भी आएगा तो वो ग्रिग्नार्ड एजेंट ही कहलाता है, इसमें हाफ O2 की रिएक्शन करवानी है, हाफ O2 मतलब एक O, O2 कट गया ना, एक O बचा तो उसकी रिएक्शन करवानी है, तो देखो क्या बनेगा, ये बना दिया हमने बेंजीन और यहाँ बन गया OMgBr, मैंने पहले भी समझाया फिर से समझाता हूँ, अगर ऐसा कोई कंपाउंड बन जाए तो वो पानी से अपने आप ही रिएक्शन कर लेता है, सेल्फ रिएक्शन होती है, पानी से बने करेगा ही करेगा, मतलब ये बन रहा है तो पानी से रिएक्शन होगी ही होगी, तो ये
एच यहाँ पर और ओ एच यहाँ पर ये निकल जाएगा। यस सर। तो देखो क्या बन गया आपका फिनॉल, ओ एच प्लस एम जी ओ एच बी आर, ठीक है। यस सर। अब लिख लो उसको, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। बेटा फटाफट जल्दी से लिखो बोला, और आप साथ साथ लिखते जाना, बैठने मत रहना, ठीक है सर। लिखो फ्रॉम फ्रॉम, अरे इतना भी साथ मत लिखो यार, डाई एजोनियम क्लोराइड, फ्रॉम डाई एजोनियम क्लोराइड, मैंगनीज डाई एजोनियम क्लोराइड याद है ना, मैंगनीज ऊपर N2Cl, तो देखो ध्यान से N2Cl प्लस माइनस, ठीक। इसकी रिएक्शन वाटर से करवा लो, सिर्फ वाटर से, सिंपल पानी प्लस ऐसी निकल जाएगा, शाबाश पे OH लग जाएगा, N2 उड़ जाएगा, तो N2 उड़ जाएगी, ठीक है। देखो मैंने पहले ही समझाया था कि प्लस माइनस उड़ा देना, जैसे ये सी हटेगा ये गैस उड़ जाएगी, फिर ये वाला लग जाएगा, याद आ रहा सबको? चलो बेटा लिखते हैं सर, अगला लिखेंगे कमर्शियल प्रिपरेशन, लिख लो लिख लो सर, हो गया ठीक। कॉमर्शियल प्रिपरेशन है, उसमें लिखे फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन 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 जानते हो क्या होता है, स्पेलिंग जानते हो कि वो भी नहीं जानते, क्यूमीन कमीन ना लिख दियो, सी यू एम आई एन ई क्यूमीन। देखें पहले समझे क्यूमीन क्या होता है, ऊपर देखो कैसे बनता है, पहले समझो ये है वेनिन, ठीक है, इसकी रिएक्शन प्रोपेन से करवा लो, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, आए ना एरो के ऊपर परऑक्साइड तो पड़ा नहीं है, तो रूल कौन सा लगेगा, सही सोच रहे हो, बताओ मार्कोनी ऑफ है ना, बिना परऑक्साइड के मार्कोनी ऑफ लगता है, और मार्कोनी रूल कहता है कि नेगेटिव पॉइंट वहां पे जाके जहां पे हाइड्रोजन संख्या क्या होती है, कम होती है, तो पॉजिटिव कहां जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन संख्या ज्यादा होती है, इस वक्त ये पॉजिटिव है तो ये जाएगा यहाँ पर है ना, और ये हिस्सा नेगेटिव है ये जाएगा यहाँ पर, बोले बात समझ आ गई, तो बेटा ये देखो ऐसा बन जाएगा सी एच थ्री सी एच, यहाँ पर लग जाएगा आपका बेंजीन, और यहाँ लग जाएगा ये कहलाया क्यूमीन, कोई कन्फ्यूजन है, फटाक से लिखो बेटा लिख लो, ये लिख लिया हमने, आगे अपने को जो क्यूमीन बना है ठीक है ना, इस क्यूमीन की कैसे रिएक्शन होगी ये देखना है, अभी मैंने ये बता रहा हूँ कि क्यूमीन हाँ कैसे बनाते हैं, और इसकी रिएक्शन देखेंगे, देखो भाई ये रहा आपका क्यूमीन, हाँ है ना, इसकी O2 से रिएक्शन करवा दो, तो ज्यादातर तो ऐसा होता है कि O लग जाता है एक O निकल जाता है, लेकिन इस वाले केस का थोड़ा मामला अलग है, थोड़ा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा इसको, ऐसा बन जाएगा। अब देखो ये तो साफ दिखाई दे रहा है अनस्टेबल है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जोड़ दिया, टूटेगा कि नहीं, तो तोड़ दो भाई, फिर ये यहां से टूट गया और ये यहां से टूट गया, ठीक है भाई, तो ये वाला बॉन्ड ये वाला इसको मोटा सा कर दिया, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड ये दोनों आपस में जुड़ गए अंदर की तरफ आके, बोलो बात समझ आ गई, हाँ है ना, और ये पतला वाला बॉन्ड और ये पतला वाला बॉन्ड ये दोनों आपस में जुड़ गए, आ गए समझ में, तो देखो कैसा बन गया भाई, यहां से ऐसे कर देता हूं नीचे, बेंजीन के ऊपर आ गया OH और ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 क्यूमीन, क्यूमीन कहां है यार, फिनोल क्यूमीन से बना, ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई, कठिन तो नहीं है बेटा, लिखो फटाफट लिख लो, यहां तक हो गया, अगला देखो, ये हमने किससे बना लिया, क्यूमीन से, इसमें कोई समस्या सर, ठीक है। अगला एक है फ्रॉम, देखो बेटा बैठ लो, फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन इसे R-6 मेथड बोलते हैं, स्पेलिंग देख लेना आर ए एस सी एच आई जी अपोस्ट्रोफी एस R-6 मेथड, हो गया सर, नहीं लिख पाया अभी तक, हो गया सर, ठीक है,
देखो भाई ये कैसे होगा, आप ले लो एक बेंजीन, बेंजीन से बनाना है, क्या बनाना है बेंजीन से? अरे तो ये तो बोलते हैं उसको फिनोल बनाना है यार। तो हर एक रिएक्शन है फिनोल बनाना। तो तुम जो बोला था क्या हो? फिर HCl ऑक्सीजन की रिएक्शन O2, दो HCl ले लो ठीक है, यहाँ पर दो एक H तो लगा होता है ना, दो बेंजीन ले लो। अब देखो ध्यान से, ये दोनों H और ये दोनों H, चार H हो गए। अरे दो नहीं दिख रहे क्या, दो लगा हुआ है यार, दो H हो गए ठीक है। और ये दोनों O, क्या निकल गया? वाटर यार, वाटर बोला करो ना फिर। और हाँ हाँ H2O, और ये दोनों क्लोरीन यहाँ लग गई, तो टू मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन बन गया और साथ में निकल गया H2O। इतने में कोई डाउट? नो सर। दो निकल गए भाई, दो निकल गए ठीक है। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में ये दोनों, ये और ये आपस में रिएक्शन कर गए ठीक है। तो क्या बनेगा देखो, पानी को कैसे लिखते हैं? प्लस टू एच ओ एच लिखते हैं। तो देखो एच सी एल निकल जाएगा, बोलो हाँ ना सर, ओ एच इधर आ जाएगा। ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ ओ एच लग जाएगा, टू एच सी एल निकल गया, बोलो हाँ ना सर। देखो दो एच सी एल लिया था, दो का दो निकाल दिया, इसका मतलब ये क्या था? कैटलिस्ट। ये क्या था? कैटलिस्ट। क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन में भाग नहीं लेते। बोलो बात समझ आ गई? अब देखो असल में ये रिएक्शन कैसी थी, ध्यान से देखो, इसमें था एक बेंजीन और एक था O2 और एरो ग्रुप पर एच सी ले लो, ये थी रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर एच लगा था, दो मॉलिक्यूल ले लिए, ओ लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सीधे के आगे लग जाए, ऐसे होती है, पहले ये तीनों आपस में रिएक्शन करेंगे, फिर जो बनेगा वो आपस में रिएक्शन करेगा। HCl कैटलिस्ट था, वापस दे दिया उसको दोबारा से और बन गया देखो आपका फिनोल। इसी रिएक्शन को करने का तरीका देखो, क्या ये बात समझ आ गई? देखो मैकेनिज्म में एक बार नहीं पढ़ा दूंगा, पहले देखो ये रिएक्शन ऐसी थी, इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रेट कर दिया, ऐसे धीमे 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 हम इलेक्ट्रॉन लेवल तक चले जाएंगे, क्या बात समझ आ गई? लिखिए इसको फटाफट, टू नहीं आएगा, टू लिख लो, वो तो अंडरस्टूड है यार, छोटी मोटी बात ना। अगला लिखेंगे सर, अगला कौन सा रिएक्शन है? ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं ठीक है, ये और रिमेटिमेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक तो ये नेम रिएक्शन है, ऊपर से जो इनका प्रोडक्ट बनता है सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिलिडिहाइड, ये दोनों सिर दर्द की दवाई में इस्तेमाल होते हैं, मतलब एस्पिरिन बनाने में इस्तेमाल होते हैं, तो नेम रिएक्शन भी बढ़िया है। अगर आपको कंप्लीट द फॉलोइंग एबीसी टाइप का कोई क्वेश्चन आया था उसमें बहुत अच्छा है, हर तरीके से बढ़िया क्वेश्चन ठीक है ना। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट, चाहो तो लिख लो, देखो कैसे होगा, ऊपर देखें बेटा थोड़ा सा, सोडियम फिनोक्साइड लिया तसल्ली से देखो और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाई, तो बॉन्ड टूट जाएगा, ये इधर फिर जाएगा, ये तो फिर जाएगा, तो देखो क्या बन जाएगा, ध्यान देखना। अब यहाँ से मुझे एच मिल जाएगी, ये सर एच कहाँ जाएगी, यहाँ पे कि यहाँ पे सर इधर ओ के पास जाएगी, क्योंकि वो नेगेटिव होता है पॉजिटिव में है ना, तो देखो ये वाला बॉन्ड फिर कहाँ जाएगा, ये बॉन्ड जाएगा सीधा यहाँ जाएगा, जाएगा कि नहीं, तो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और ऊपर क्या लग जाएगा ओ एन ए, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है ठीक है। अब इसमें एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन करवानी है, रीअरेंजमेंट में कुछ नहीं, सोडियम हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट कर देगा, हाइड्रोजन यहाँ आ गया ठीक है, सोडियम की जगह सोडियम हाइड्रोजन की जगह, क्या एक बार समझा ली सर? ठीक है, तो देखो क्या बन गया, वही यही लिख देता हूँ, ये बन गया, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? ठीक है, अब इस पे रिएक्शन करवा दो HCl, H पॉजिटिव लिख दो, मतलब HCl ही होता है ना, तो NaCl टाइप का कुछ निकल जाएगा और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, हाँ सोडियम रिप्लेस होकर हाइड्रोजन आ जाएगा। इसका नाम हो गया सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक, कोई दिक्कत? ये कॉल से रिएक्शन है, ज्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान सी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नेम रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, मैं लिखता हूँ, और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बढ़िया ठीक है, लिख लो।
हो गया था तक ठीक है। अगर देखो बेटा रीमा टीमन लिख लो, कुछ लोग रायमन टाइमन भी बोलते हैं, रीमा टीमन लिखो क्यों बरात में आए हो। हाँ जैसा भी अच्छा लगे वैसा बोलो। ये देखो ये है फिनॉल, ऊपर देखो और यहाँ पर सी एच सी एल को मैंने तीनों को एक साथ लिख दिया। देखो सी एच सी एल थ्री, ये क्या होता है क्लोरोफॉर्म, याद आ रहा है ना। यस। अब ऊपर ध्यान से देखो बेटा, मैंने क्यू एच, क्यू एच कितने लिख दिए तीन, तो देखो के सी निकल जाएगा। यस सर। ठीक है। अब देखो तरीका तो ये है कि जब एस इस तरीके से एक से ज्यादा वर्ड लिखा हो तो उसी में से पानी निकाल देना चाहिए, तो तुम उसमें से निकाल दो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो एच है यहाँ पर या पैरा पे वो यहाँ आ जाएगा, बात वही है। या इन्हीं को, इन दोनों को निकाल दो, तो तुम अपना तरीका फॉलो करेंगे, इसमें से पानी निकाल। जब भी ओएच वाली मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा लिखा हो तो 80% चांस होता है कि उसमें से पानी निकाल लेगा। ठीक है। अब यहाँ से तो पानी निकल गया तो ये वाला एच यहाँ आ जाएगा, तो दो ओएच हो गए दोबारा से, हो गए दो ओएच आए ना, और ये वाला बॉन्ड खाली हो गया और इसके तो तीनों ही खाली हो गए। ठीक है। अब देखो क्या बना, तो बेंजीन के ऊपर तो ओएच है, उससे तो कोई मतलब नहीं, ये बॉन्ड तुम्हारा खाली पड़ा, इसका एक बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ गया, एच लगी है, अभी भी इसके दो बॉन्ड खाली है, दो ओएच है हमारे पास, उन दोनों को उठा के इसके जोड़ दो। बोलो क्लियर। यस। एक कार्बन पे दो ओएच कभी भी नहीं होते, और हो तो वहां से क्या निकल जाता है पानी, तो ये पानी निकल जाएगा तो ये वाला बॉन्ड अंदर आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड भी अंदर आ जाएगा। तो देखिए क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH और यहाँ बन जाएगा CH डबल बॉन्ड O। बोलो बन गया। ठीक है। और साथ में निकल गया आपका KCl के तीन मॉलिक्यूल और पानी कितना निकल गया एक। ठीक है। ये है सेल्सिलिडिहाइड। ठीक है, लिख लो उसको। पिछले वाला एसिड वो सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड फॉर्मेट। ठीक है, चलो लिखो।